बस क्या ने आपके उम्मीदा के हरिये से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी हरिये से हैं। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक रेसिपी लेके आई हूँ, कश्मीरी मटन। तो ये ग्रेवी के साथ बनाया है। इसकी रेसिपी को देखने के लिए एंड तक देखिएगा और लाइक और शेयर करिएगा और प्लीज़ 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 हमारा सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आपको इसकी जजा दे। कश्मीरी जो रियल का कश्मीरी गोश्त है उसको बनाने के लिए जो सही अथेंटिक रेसिपी है ये मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इसके लिए मैंने मटन का गोश्त लिया, ये 700 ग्राम है। उसके लिए मैंने दूध अभी 1 कप लिया, थोड़ा सा और लूँगी। लहसुन के जमे हैं 6-7, प्याज ली है मैंने 1 बड़ी और ये क्रश चिली है सब्ज़, और ब्लैक पेपर है 1 टेबल स्पून, इसको मैंने दरदरा सा कर लिया। गोश्त को मैंने गर्म पानी 1 बॉयल देकर निकाल लिया और उसके ऊपर जो गंदी गंदी जाग थी वो ब्लड की वो भी निकल गई है। तो ये मैंने इस हर दफ़ा ऐसे ही करती हूँ, बिस्मिल्लाह। गोश्त डालूँगी कुकर में, अब उसमें ये प्याज लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने नमक डाला है इसमें, और अब डालूंगी पानी की जगह दूध, बिस्मिल्लाह। अब हमारा गोश्त पकने तक मैं आपको बताऊं कि मैंने ये लिया 100 ग्राम खोया और इसमें डालूंगी ये उसकी ग्रेवी के लिए ये मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया, ये मैं अच्छे से इसको उसके स्टीम होने तक इसको ज़रा अच्छी तरह मिक्स करके रख लेती हूँ। व्यूअर्स ये देखें, हमारा आधा घंटा हो गया गोश्त को और ये इस शक्ल में आ गया। अब इसका पानी सुखा के इसको ऑयल थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि ऑयल की इतनी ज़रूरत नहीं है इसमें। खोया भी डालूंगी, दूध भी डाला हुआ है तो चिकनाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल, बिस्मिल्लाह। बस ये देखें गोश्त माशाल्लाह अच्छे से भून गया, ये देखें। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ग्रेवी के लिए। मैंने दूध में खोया मिक्स करके रखा था। तो ये भी बस ये देखें, हमारा दूध को बॉयल आ गए हैं, वो जो खोए वाला डाला था ग्रेवी के लिए। तो मैं अभी इसमें ये 1/2 टीस्पून है इसमें ज़ीरा और 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली है, तो ये मैं इसमें डालने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह। बस ये हमारा रेडी हो गया। अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आ जाए, 1-2 बॉयल आ जाए जो मैंने काली मिर्चें डाली हैं उसका। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारा ये माशाल्लाह से कश्मीरी गोश्त रेडी हो गया। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसको चावलों के साथ और रोटी के साथ खा सकते हैं। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।